तो आज करते हैं दाल मखनी का रिव्यू। देखो हल्दीराम की दाल मखनी सर्विंग फॉर टू, ये देखते हैं इसमें क्या क्या है, बनती कैसे है और कितने मिनट में बनती है। ये देखो 3 से 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है, इसको उबलते पानी में डाल दो। दूसरा दूसरी क्या चीज़ है, इसको फ्राइंग पैन में बना लो, तब भी 3 से 5, ओवन के अंदर तो भाई साहब 1 से 2 मिनट में ही बन जाएगी। वाह क्या दाल मखनी है, चलो इसको बनाते हैं। चलो इसको खोलने की ट्राई करते हैं, पहले इसको यहाँ से खोलते हैं। ये पाउच निकला, देखो ये रहा हमारा पाउच, और ये पाउच बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि ये देखो सील कर रखा प्रॉपर, तो कहीं से भी निकलने का चांस नहीं है, बनी बनाई है। कुछ भी नहीं करना आपको, आपको भूख लगी है, आपको अच्छी दाल मखनी खानी है, बाजार से नहीं खानी, और वहाँ का टेस्ट समझ नहीं आता, ये बनी बनाई दाल मखनी है। इसका टेस्ट अभी करते हैं, अगर अच्छा हुआ तो कुछ नहीं करना, कभी कभी ये मंगा के खा सकते हैं। चलो इसे बनाते हैं अब। ये देखो अंदर से दाल मखनी, देखो इसको स्लो हीट कर लो, पूरी पूरी दाल मखनी बनी हुई है, कुछ करना ही नहीं है, और प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं है इसमें। तो पूरी दाल मखनी निकाल लेते हैं, इसे पूरा निचोड़ लेते हैं। दाल मखनी देखो कितनी शानदार लग रही है, मिर्च मुर्च कम लगे डाल लेना, बट अभी मैं खा के देखता हूँ, अगर मिर्च मुताबिक हुई मेरे तो बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो इसको करते हैं 2 मिनट के लिए गर्म, और कुछ नहीं करना, ये समझो कि बाहर से बनी बनाई दाल मखनी है, ये उसको सिर्फ आपने गर्म करना है, दैट्स इट। वाओ लुक एट द टेक्सचर। झूठ लिखी हुई है इसमें, तो ये 2 बंदों के लिए नहीं है, ये तो सिर्फ 1 बंदे के लिए है, 1 बंदा भी न खा पाए पूरा, वो भी गनीमत है। और इसकी एक और बढ़िया बात, इसको रेफ्रिजरेटर में रखने की भी जरूरत नहीं है। देखो लिखा ना, नो नीड टू रेफ्रिजरेट, मतलब इसको आप ऐसे भी रख सकते हो घर में, खराब कैसे नहीं होगी बगैर प्रिजर्वेटिव के, ये मुझे समझ नहीं आई चीज। बाकी खुशबू तो बहुत शानदार आ रही है, अब ये पक चुकी है और इसको परोठे के साथ ट्राई करेंगे। कैसी बनी है, बेहतरीन शानदार दाल थी ये, मजा आ गया खा के, आप भी ट्राई जरूर करना, कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें जाना हमारे चैनल को, हमारा व्लॉगिंग चैनल भी है उसे भी। लुक एंड माई थाली गाइस।